बोलिए देवादि देव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति के उन्नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। जय बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान करता भावना योग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेलन शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहां उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े हुए सभी श्रद्धालुओं का, जो कि पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन व आनंद ले रहे, उन सभी का मैं गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमें बड़ी प्रसन्नता है कि आप सब लोगों ने गुणायतन को इस ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना जो योगदान दिया है वो बड़ा सराहनीय है। हम गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से आपको पुनः आह्वान करते हैं, आए जिससे कि हम अतिशीघ्र इस कार्य को पूर्ण करके इस संसार को कैसी कृति दे सके जो हमें साक्षात जीवंत जैन दर्शन को दिखाने में सहायक हो सके। बंधुओं, मैं पूज्य श्री के चरणों में आप सबकी ओर से चल रहे हैं। अपन सबसे पहले इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें उसके पूर्व नमोस्तु करते हुए आशीर्वाद की कामना करते हैं। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, अनेक लोग अपनी जिज्ञासाओं को, अपनी शंकाओं को प्रामाणिक ऐप के माध्यम से भेज रहे हैं। हम पुनः उनसे कहना चाहेंगे कि आप अपनी शंकाओं को प्रामाणिक ऐप में भेजें जिससे कि हम यहां पर ले पाएंगे। एक चीज निवेदन जरूर करेंगे, आप प्रश्न भेजें ना कि पूरी इबादत भेजें लिख करके, क्योंकि अगर बहुत लंबा होगा तो हम क्षमा चाहते हैं कि नहीं ले पाएंगे। साथ ही साथ एक और निवेदन करेंगे, जो लोग गुप्त रूप से प्रश्न भेजते हैं वो कम से कम अपना फोन नंबर तो लिखें जिससे हम उनको गुप्त रूप से उसका उत्तर दे भी सकें, इस बात का वो लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आज हम पुनः जो लोगों ने परोक्ष रूप से अपने प्रश्न भेजे, महाराज श्री आपके चरणों में वंदन करती हो, उन सब की ओर से पहले हम नमोस्तु कर रहे हैं। और अब शुभम जैन रायपुर से महाराज श्री आपके चरणों में वंदन करती हो, पूछना चाह रहे हैं कि देश में एक्टर और क्रिकेटर दोनों ही युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत माने जाती हैं, ऐसे में एक्टर पान मसाले और क्रिकेटर जुए की लत लगाने के लिए भरपूर विज्ञापन कर रहे हैं, तो इससे हमारे देश के युवाओं को कैसे बचाया जाए जबकि इसमें आर्थिक और सामाजिक रूप से भारत डूबता चला जा रहा है, इसमें आपका उद्बोधन जरूर मिले। नमो देखिए, ये बात बहुत ही गंभीर है। निश्चित समाज जिनको अपना आदर्श मानती है उनको चाहिए कि समाज के आदर्श के लिए कुछ काम करे। मुझे मालूम है कि अमिताभ बच्चन ऐसे कोई विज्ञापन नहीं करते, आज वो हर के आदर्श हैं, सभी के हृदय के धड़कन। क्यों ना हो ऐसे सभी एक्टर्स और क्रिकेटर्स या जो भी सेलिब्रिटीज हैं उन तक ये संदेश लोग पहुंचाएं कि आपको हम अपना आदर्श मानते हैं, और आपके माध्यम से इस तरह के विज्ञापनों से समाज की सेहत प्रभावित होगी, वो देश की व्यवस्था को खराब करने वाली है। इसलिए आपसे निवेदन है, कृपया ऐसी वस्तुओं के विज्ञापन में आप ना आगे ना आए। यदि पूरे देश भर के लोग इस तरह की बातें करेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे लोग भी अपने कृत्यों पर विचार करने के लिए बाध्य होंगे और फिर हमारी समस्या का समाधान होगा। क्योंकि जो लोग एक बार जिसको मान लेते हैं तो वही उसका सब कुछ हो जाता है, और जितनी भी कंपनियां हैं इनको मोटी रकम इसी बात की तो देती है कि लोग इनको फॉलो करते हैं, तो इनको पकड़ लो तो चीज़ें हमारे हाथ में आएगी। इन तक हम अपनी बात पहुंचाएं, जिन भी माध्यम से पहुंचाएं, लोगों में जागरूकता हो तो मुझे लगता है एक अच्छा परिवर्तन घटित हो सकता है। नितिन जैन बिनौली बागपत से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं, महाराज श्री के चरणों में बारम्बार नमन। महाराज श्री, कुछ लोग कहते हैं कि सस्ती चीजें और घटिया लोग शुरुआत में हमेशा अच्छी लगती हैं, तो महाराज श्री मेरी शंका यह है कि यह बात कहां तक सही है, क्योंकि कई बार देखने में आता है कि सस्ती चीजें महंगी चीजों से भी ज्यादा समय तक चलती हैं, और कई बार घटिया लोग भी ऐसा अच्छा काम कर देते हैं जो काम अच्छे अच्छे लोग भी नहीं कर पाते। कृपया समाधान कीजिए। सस्ती चीज़ें और घटिया लोग शुरुआत में अच्छे लगते हैं लेकिन परिणाम अच्छा नहीं होता, बहुत अच्छी बात की। साथ में ये भी कहा कि कई बार सस्ती चीज़ें महंगी चीज़ों से अच्छी उपयोगी साबित होती है।
और घटिया लोग भी वो काम कर लेते हैं जो हमारे समाज के बढ़िया लोगों से संपन्न नहीं हो पाता। मैं इस संदर्भ में बात कहूँगा, जहाँ तक पहला वाक्य है, प्रथम दृष्टया इस वाक्य से मैं अपनी सहमति प्रदान करता हूँ कि जो चीज़ें सस्ती होती है, जो केवल सस्ती देखकर चीज़ों को लाते हैं, वो उपयोगिता को भूल जाते हैं। बाजार में सब्जी लेने जाओ ना, तो जिन्हें सस्ती चाहिए वो शाम को जाते हैं, जो सड़ी गली छटी छटाई चीज़ें लेकर आते हैं। तो सवाल सस्ती का है, अगर सस्ती के फिराक में रहोगे तो उपयोगिता खत्म हो जाएगी, और यदि उपयोगिता को प्रमुखता दोगे तो तुम्हारे लिए महंगा भी सस्ता दिखेगा। तो हमें कोई भी वस्तु का चयन करना है तो उसके मूल्य को गौण कर उसकी उपयोगिता को प्रधानता देनी चाहिए। अगर हम उपयोगिता को प्रधानता देते हैं तो चीज़ें सस्ती होकर के भी गुणकारी हो सकती है, और कई बार महंगी चीज़ें भी नुकसानदेह हो जाती। हाँ, और जो केवल सस्ती देखते हैं वो गुणकारी चीज़ों को नहीं ले पाते, सच है। दूसरी बात जो कही, घटिया लोग, लोगों का घटियापन दो तरह से होता है। एक वे जिनका वैचारिक स्तर घटिया है, जिनके सोच का स्तर हल्का है, ऐसे लोग हमारे लिए कभी कुछ काम नहीं कर पाते, क्योंकि घटिया मानसिकता से बढ़िया जीवन नहीं जिया जा सकता। जो खुद घटिया है वो औरों को क्या करेगा। तो ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ोगे तो वो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तो घटिया मानसिकता वाले लोगों से सुरक्षित दूरी रखनी चाहिए। पर कुछ लोग हैं जिन्हें हम घटिया समझते हैं, क्योंकि उनका रहन सहन अपेक्षाकृत साधारण दिखता है, लोग उनको घटिया मान लेते हैं, लेकिन अंदर से उनका जीवन बढ़िया होता है। सड़क पर चलने वाले, सड़क पर सोने वाले लोग देखने में घटिया दिखते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जिनकी सोच बहुत बढ़िया होती। तो हमें घटिया और बढ़िया व्यक्ति के बाहरी स्तर पर न समझें, व्यक्ति की सोच और मानसिकता के बल पर उसका आकलन करें। जिनकी मानसिकता अच्छी वे सब जगह अच्छे हैं, और जिनकी मानसिकता बुरी वो सब जगह बुरे। संजय सीमा जी मोदी बाकल जिला कटनी से चरणों में नमोस्तु निवेदन करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव, गुरुवर, पृथ्वी लोक से मृत्यु लोक के बीच में पड़ने वाले टोल टैक्स को प्राइवेट हॉस्पिटल कहा जाता है। आज के समय में इस टोल पर इंसान अपना सब कुछ लुटा बैठता है। तो गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि इस टोल टैक्स से बच करके जाने का कोई तो रास्ता होगा, कृपया वो रास्ता बताएं। पृथ्वी लोक से मृत्यु लोक के बीच का टोल टैक्स प्राइवेट हॉस्पिटल है, और जहां इंसान को अपना सब कुछ लुटा देना पड़ता है। आपने कहा इस टोल टैक्स से बचने का कोई तो उपाय होना चाहिए। अभी भारत सरकार ने एक व्यवस्था बनाई है, क्या बोलते हैं उसको, टोल पर नहीं रुकना पड़ता है, जिसको फास्ट ट्रैक है ना। तो फास्ट ट्रैक की व्यवस्था कर लो, लिमिट से टैक्स चुकेगा, समझ गए, और गाड़ी कहीं रुकेगी नहीं। तो परमार्थ के क्षेत्र में फास्ट ट्रैक रखना है तो अपने जीवन स्तर को अच्छा रखो, अपनी जीवन शैली को अच्छा रखो, अपनी आहार विहार की चर्या को नियमित रखो। नियमित आहार विहार की चर्या होगी ना तो तुम्हें कभी अस्पताल जाना ही नहीं पड़ेगा, जाना भी पड़ा तो अटकना नहीं पड़ेगा। जीवन शैली बिगड़ चुकी है, लोगों का खान पान चौपट है, और अनेक प्रकार के तनाव दिमाग में है, तो आपके साथ ऐसी व्यवस्थाएं होती है। परमार्थ के फास्ट ट्रैक से आप जुड़ते हो तो फिर कोई दुविधा शेष नहीं रहेगी।
सुरेश जी रायपुर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव मेरी शंका यह है कि गुरुदेव हम सभी पारसनाथ भगवान की मुनि अवस्था की मूर्ति की पूजा अभिषेक क्यों करते हैं, क्योंकि पारसनाथ भगवान पर मुनि अवस्था में ही उपसर्ग आया था, कृपया समाधान कीजिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम मुनि अवस्था की पूजा नहीं करते। भगवान पारसनाथ ने मुनि अवस्था में जो उपसर्ग सहा था उसे दर्शाने के लिए उपसर्गाविष्ट मुद्रा हम दिखाते हैं, लेकिन उस मूर्ति में हम पांचों कल्याणक का आरोपण करते हैं। पंच कल्याणक से प्रतिष्ठित वो प्रतिमा है, इसलिए वो मुनि अवस्था की प्रतिमा नहीं है, वो परमात्मा की प्रतिमा है, वो अरहंत अवस्था की प्रतिमा है जिसमें हमने पांचों कल्याणक ले लिए। अरहंत की अन्य भगवान की अरहंत अवस्था में भी हम उनकी सिद्ध अवस्था की स्थापना करते हैं, तो ये हमें समझना चाहिए कि हम उनको पांचों कल्याणक से समन्वित करके प्रतिष्ठित कर रहे हैं। इसलिए जब भी पारसनाथ भगवान की फनावली के साथ वंदना करना तो ये नहीं सोचना कि हम पारसनाथ भगवान मुनि पारसनाथ की वंदना कर रहे हैं, ये मानना जिन्होंने भयानक अवस्था मुनि अवस्था में भयानक उपसर्ग सहा ऐसे भगवान पारसनाथ की वंदना कर रहे हैं। महाराज श्री आशीष कुमार जैन गुणायतन ट्रस्टी जो कि अमरपाटन दिल्ली से है, महाराज श्री अभी अभी उनकी जब मेरी से उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि उनके पिताजी जब आपके पास आए और आपने उनको ऐसा आशीर्वाद दिया कि वो एडिशनल एसपी से वो एसपी हो गए हैं और आपका इस उपकार को मान रहे हैं, आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित करती हूँ कह रहे भारत श्री, वो अभी अभी आईवी में एसपी पद पर पदस्थ हैं, भारत सरकार वो आपके चरणों में वंदन करती हूँ कह रहे हैं। प्रश्न पूछ रहे हैं कि यदि किसी मंदिर में मूल नायक महावीर स्वामी हो एवं यदि बेदी में आदिनाथ शांतिनाथ और पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा हो तो हमें किस क्रम से अर्घ चढ़ाना चाहिए, दूसरा आपकी दिव्य वाणी जिन चार बातों पर खिरती है उनकी आपके मन में कैसे तैयारी होती है, क्योंकि ऐसा प्रवाह साधारण नहीं हो सकता है और ऐसा हर ज्ञानी के साथ नहीं है संभव, कृपया हमें मार्गदर्शन दें और आप हमें आशीर्वाद दें जिससे कि हम ऐसे ही और आगे बढ़ते रहे। पहले तो मैं आशीष भाई को आशीर्वाद देता हूँ, एक बहुत ही समर्पित संस्कार निष्ठ धर्मनिष्ठ श्रावक है और अच्छी बात है, ऐसा श्रावक अगर कोई अधिकारी बनता है और अधिकारी में भी आईबी और आईबी में भी अब एसपी के पद पर पदस्थ हुए हैं, निश्चित ये पूरे समाज के लिए गौरव की बात है। मैं उनके माध्यम से समाज के अन्य युवाओं को भी प्रेरणा देना चाहूँगा कि वे अपनी प्रतिभा को सही दिशा में नियोजित करें और इस दिशा में आगे बढ़कर देश संस्कृति समाज की सेवा करते हुए धर्म की प्रभावना करें, ये मेरा आशीर्वाद है। अब आपके दो सवाल, बेदी में मूल नायक महावीर स्वामी हैं, आदिनाथ पार्श्वनाथ और अन्य भगवान भी विराजमान हो तो किस क्रम से अर्घ चढ़ाएं, पहले मूल नायक बाकी बाद में। मूल नायक होते हैं, अर्घावली में मूल नायक की वंदना पहले होती है। आपने पूछा है कि प्रवचनों में जो चार बातें होती है उसकी पहले से क्या तैयारी होती है, मैं आप सबसे बताता हूँ कि मेरी तो 90% प्रवचनों में कोई तैयारी ही नहीं होती। जैसे शंका समाधान में मैं बिना तैयारी के बैठता हूँ, वैसे यहाँ आता हूँ, नमोकार बोलता हूँ और बस उसी समय निर्णय लेता हूँ कि आज मुझे किस धारा में चलना है, और आपसे आप सबके पुण्य के प्रताप से बातें आती है और आप लोगों को परोसता जाता है। प्रवाह का क्रम गुरु आशीर्वाद से बना रहता है, निरंतर वो चलता है। हाँ, कभी किसी खास विषय पर कोई बात करनी हो तो मैं थोड़ी बहुत प्रारंभिक तैयारी करता हूँ, कुछ सोचता हूँ, कुछ बिंदु सोचता हूँ, लेकिन ऐसा गुरु का आशीर्वाद और कृपा है कि मैं जब शुरू होता हूँ तो मेरी गाड़ी बस पूरा होने पर ही रुकती है, अटकती नहीं है, ये भी आप सबका पुण्य प्रताप है। अमृता जैन मुंबई से नमोस्तु करती हुई कह रही, गुरुदेव जब मैं बहुत परेशान रहती थी, एक समय ऐसा था जब मैं बहुत परेशान रहती थी, मेरी शादी के 8 साल तक बच्चा नहीं हुआ,
मैं डिप्रेशन में चली गई थी, हर समय सुसाइड करने का मन में ख्याल आता था। डॉक्टर ने भी कह दिया था कि जब तक मैं मानसिक रूप से ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं मां नहीं बन सकती हूं। फिर मैंने भावना योग करना प्रारंभ किया, निरंतर एक साल तक भावना योग करने से मेरा डिप्रेशन भी चला गया और मैं प्रेग्नेंट भी हो गई हूं। भावना योग का आभार देने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आप सब लोगों का भावना योग के माध्यम से जो उपकार कर रहे हैं, निश्चित ही आपको तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा, ऐसा नमोस्तुते करती है। और प्रश्न पूछ रही महाराज श्री, मेरा बेटा 3 वर्ष का है, उसने अभी अभी अपने हाथ से खाना और लिखना चालू किया है और वो उल्टे हाथ से खाना और लिखने की कोशिश कर रहा है। घर में सभी लोग टोकते हैं कि सीधे हाथ से लिखो और सीधे हाथ से भोजन करो, तो सीधा हाथ का प्रयोग करने लगता है। मेरा प्रश्न यह है कि उल्टे हाथ से लिखना या खाना गलत होता है क्या? क्या मुझे उसे टोकना चाहिए या सीधे हाथ से प्रयोग करवाना चाहिए? कृपया हमारी शंका का समाधान करें। देखिए, पहले तो भावना योग की जो उन्हें उपलब्धि हुई है, निश्चित ये उनके लगन और श्रद्धा का चमत्कार है। और जो लोग ऐसी श्रद्धा से भरकर भावना योग कर रहे हैं उनको इसी तरह के परिणाम मिल रहे हैं। और लोग भी यदि श्रद्धा पूर्वक भावना योग करेंगे तो ऐसा और इससे बेहतर परिणाम भी पा सकते हैं। आवश्यकता है श्रद्धावान बनकर इस तरह का कार्य करना, अपने जीवन को सहज और संतुलित बनाने का ये बड़ा अच्छा साधन है। दूसरा जो आपने सवाल किया कि बेटा बाएं हाथ से खाता है काम करता है तो लोग उसका निषेध करते हैं। देखिए, दाएं से खाएं चाहे बाएं से खाएं, उल्टे से खाएं चाहे सीधे से खाएं, दाया बाया ना करे, उल्टा सीधा ना करे, जीवन आगे बढ़ेगा। ये तो लोगों की अलग अलग टेंडेंसी होती है, उनकी माइंड की वैसी स्थिति होती है। बहुत सारे लोग हैं जो लेफ्ट हैंडर होते हैं लेकिन वो भी बुलंदियों को छूते हैं। मैंने सुना सचिन तेंदुलकर भी बाएं हाथ के ही बल्लेबाज थे, सही बोल रहा ना? हाँ हाँ, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ है। तो बाएं हाथ से खाए चाहे दाएं हाथ से, हाँ, आदत सुधारने के लिए बचपन में यदि बच्चे को आप सिखाते हो तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा करने में वो असहजता महसूस करता है तो आप उसे मत रोकिए, मत टोकिए, क्योंकि आपकी रोक टोक से उसका विकास अवरुद्ध होगा। इसलिए इसे देखना है, एक दो बार चार बार टोक कर देखें कि आपकी टोक की कोई विपरीत प्रतिक्रिया तो उसके भीतर नहीं आती, वो असहज तो नहीं होता। यदि असहज नहीं है तो आप रोकिए, और असहजता आ रही है तो उसे स्वीकार कर लीजिए। दाएं बाएं में कुछ नहीं होता, अभी हो सकता बाएं से खाए, कल मुनि बन जाए तो दोनों हाथ से खाएगा, ये भी सौभाग्य हो सकता, ऐसा संस्कार दे। प्रमोद जैन पापड़ीवाल, महावीर नगर दुर्गापुरा जयपुर से महाराज श्री नमोस्तु निवेदित करती हुए कह रहे हैं कि ट्रेन की कंफर्म सीट को थोड़े से सफर के लिए हम अपना मान बैठते हैं, उस सीट पर जरा सा भी कोई अगर बैठ जाए तो उसे हम आंख दिखाते हैं और गंतव्य स्थान आने पर सबसे पहले सीट को छोड़कर बाहर निकलने के लिए धक्का मुक्की तक कर लेते हैं। इस प्रकार के आचरण से मन में ग्लानी उत्पन्न होती है। प्रश्न यह है कि सब कुछ जानते हुए भी हम सभी अपने स्वभाव को सरल क्यों नहीं बना पा रहे हैं? सब कुछ जानते हुए भी अपने स्वभाव को सहज क्यों नहीं बना पा रहे हैं? दरअसल ट्रेन में जो कंफर्म सीट है उसे आप अल्पकालिक समय के लिए अपना मानते हो, और जब गंतव्य आते हो तो आपको अपना दूसरा दिखने लगता, उसकी तरफ भाग जाते हो। और वह अपने जिसके प्रति मेरा अपनत्व है उस तक जाने की आतुरता के कारण ये जल्दबाजी होती है। मैं समझता हूँ ऐसी जल्दबाजी और ऐसी आकुलता व्यक्ति के जीवन में तब तक होते रहेगी जब तक वह अपने अपनत्व को नहीं पहचानेगा या स्वयं के साथ अपना संवाद स्थापित नहीं करेगा, स्वयं के अस्तित्व को नहीं पहचानेगा। जिस दिन जान लेगा कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या है,
तो उसे फिर इधर उधर कहीं देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। वो अपने जीवन के परम तत्व को साथ लेकर आगे बढ़ेगा और जीवन को एक नई ऊंचाई देगा। ये अंतिम प्रश्न के माध्यम से उसके बाद प्रत्यक्ष में जो वहाँ उपस्थित हैं मैं निवेदन करूंगा। ज्योति रारा जी तैयार रहेंगे। महाराज श्री पुष्पा सुभाष चंद्र जी जैन सेलू परभणी से नमोस्तु निवेदन करते हुए कह रहे हैं कि ऑनलाइन सवाल का निराकरण करने में मुझे ऊर्जा मिलती है, मेरा भावना योग पर श्रद्धान है, मेरी शंका है कि ज्ञान और वैराग्य ज्ञान खर्च करने लायक है। ज्ञान और वैराग्य में ज्ञान खर्च करने लायक है और वैराग्य अनुमोदना लायक है, तो दोनों का समर्थन एक साथ कैसे करें? यह आचार्य श्री के नाम से पाठशाला चलती महाराज श्री, और सभी बच्चों को आपका मार्गदर्शन और आपका आशीर्वाद मिले ऐसा कामना कर रहे हैं। बहुत अच्छा आशीर्वाद है मेरा। वो अक्सर ऑनलाइन में इनके सवाल आते रहते हैं। बहुत अच्छा सवाल किया, ज्ञान और वैराग्य में ज्ञान खर्च करने लायक है और वैराग्य अनुमोदना के लायक है। मैं आपके वाक्य को थोड़ा संशोधित करूँगा। ज्ञान खर्च करने लायक है और वैराग्य पुष्ट करने लायक है। ज्ञान को आप जितना खर्च करोगे ज्ञान उतना बढ़ेगा, और वैराग्य को जितना पुष्ट करोगे वैराग्य उतना बढ़ेगा। इसलिए ज्ञान का अभ्यास करते हुए ज्ञान को बांटिए और वैराग्य को हृदय में जगाकर उसे जिए, उसे पुष्ट करे, वैराग्योत्पादक सामग्री से अपने आप को भर कर रखे, जिससे जीवन में समाधान मिल सके। सच्चे अर्थों में जैसे जैसे ज्ञान प्रकट होता है वैसे वैसे वैराग्य भी जगता है। बिना वैराग्य के ज्ञान सार्थक नहीं होता, इसलिए ज्ञान को हमें ध्यान में रखना चाहिए। कागजी ज्ञान आपको भटका सकता है पर यथार्थ ज्ञान वैराग्य से भरता है। जैन राया विरज्जे दी, जैन से ये सुरज्जे दी, जैन मित्ती प्रभासे जय तम नानम जिन शासन है, जैन तच्चम विभुज्जे जय, जैन से ये सुरज्जे दी, जैन अत्ता प्रभासे जय तब नानम जिन शासने। ज्ञान का स्वरूप उद्घाटित करते हुए कहा गया जिससे राग विरक्त होता है, जिससे अच्छे कार्यों में अनुराग बढ़ता है, जिससे मैत्री की प्रभावना होती है वही ज्ञान है, अथवा जिससे तत्व का ज्ञान हो, जिससे श्रेय कार्यों में अनुराग हो और जिससे आत्मा प्रकाशित हो वही ज्ञान है। तो जिस ज्ञान में वैराग्य है वही ज्ञान है। अतः ज्ञान सही ज्ञान हो, सम्यक ज्ञान हो, वैराग्य साथ साथ पुष्ट होगा। ज्योति जी रारा दिल्ली से, और निवेदन करूंगा इसी के साथ हरीश जी बिमला जी सागर से गुणायतन ट्रस्टी। गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमन, सभी छुलक जी महाराजों के चरणों में इच्छा में। गुरुवर, एक कहावत है, व्हेन वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट व्हेन कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। कृपया मार्गदर्शन करें गुरुवर, और ये बताएं कि इन तीनों की रक्षा हम कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल, हेल्थ वेल्थ और कैरेक्टर, वेल्थ हेल्थ और कैरेक्टर तीनों में सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर है। आपने पूछा इन तीनों की रक्षा हम कैसे करें। अपना फेथ अच्छा रखो तो सब सुरक्षित रहेंगे। आज लोगों की फेथ ही खत्म हो गई। पहले लोगों का विश्वास अपने जीवन के प्रति होता था, जीवन मूल्यों के प्रति होता था, अब लोगों का विश्वास चीज़ों के प्रति हो गया है। और व्यक्ति अल्पकालिक लाभ के लिए अपने आत्मा के दीर्घकालिक हित की भी उपेक्षा करना शुरू कर दिया। इसलिए यदि हम चीज़ों की जगह अपने आप के प्रति और जीवन के प्रति श्रद्धा रखना शुरू करेंगे, फेथ रखना शुरू करेंगे, तो हम वेल्थ भी वेलफेयर के लिए लगाएंगे, हेल्थ के प्रति कॉशस रहेंगे, और करेक्टर को अपने जीवन का मूल तत्व मानकर संभालें। नमोस्तु गुरुवर।
हरीश जी, विमला जी सागर से, गुणायतन ट्रस्टी, और इसी के बाद तैयार रहेंगे अंबर सेठी सृष्टि सेठी सरिया से। नमोस्तु महाराज जी, सभी छुलक जी को इच्छामि। महाराज जी, अग्नि का एक जीव जो होते हैं उनकी उत्कृष्ट आयु 3 दिन बतलाई गई है महाराज जी। तो जो बड़े बड़े जंगलों में ऑस्ट्रेलिया में जो आग लगती है तो महीनों चलती महाराज जी, तो ये कैसे होता महाराज जी? उनमें निरंतर जीवोत्पत्ति होते रहते, नए नए जीव आते हैं, पुराने जीवों की आयु खत्म हो जाती। नमस्ते महाराज जी। अंबर सेठी सृष्टि सेठी सरिया से, और इसी के बाद तैयार रहेंगे नितिन नेहा मालपुरा टॉक से। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और छुलक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, मैं मेरा प्रश्न ये है कि मैं अपने घर से पहली बार बाहर पढ़ने जा रही हूँ, तो ऐसे में वहाँ मेरा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए? बिल्कुल, पहला तो सब तुम्हारे माध्यम से उन तमाम बच्चों के लिए मैं संदेश देना चाहता हूँ जो बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं। पहले हम घर से बाहर क्यों जा रहे हैं याद रखना। माँ बाप ने हमें पढ़ाई करने के लिए भेजा है, अपने प्रयोजन को, अपने मूल मोटिव को कभी मत भूलना। दूसरी बात, गुरुओं से अपने जीवन की एक लक्ष्मण रेखा खिंचवा, एक बाउंड्री लाइन तय करो कि मैं कुछ भी करूं किसी भी स्थिति में मेरे जीवन की यह सीमा रेखा टूटनी नहीं चाहिए। समझ गए? आज तुमने अपनी बाउंड्री लाइन खिंचवाई ना, बस उस बाउंड्री के भीतर रहना, उसके बाहर मत रहना। समझ गए? खोटी आदतें और खोटी संगति से बचना। बाहर पढ़ने जाने वालों को एक बात और कहूँगा, पढ़ाई का लक्ष्य लेकर के जाओ, पर प्रायः बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए बाहर जाते हैं और एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता में अपने आप को उलझा देते हैं। अपना 100% देना, पर स्ट्रेस बिल्कुल मत लेना। तुम अगर IITian बनना चाहती हो, IIT की तैयारी के लिए जाते हो, कोई नीट के लिए जाते हैं जाओ, कोई CA के लिए जाते जाओ, 100% लगाओ। लेकिन यदि कहीं कुछ कमी रह जाती है तो उसको अपने दिमाग पर हावी मत होने देना, और एक बात को ध्यान में रखना, मेरी पढ़ाई का उद्देश्य केवल IITian बनना नहीं है, मेरी पढ़ाई का उद्देश्य मेरे जीवन को अच्छा बनाना है। कैरियर केवल IITian का नहीं होता, कैरियर किसी का भी हो सकता है। खोटी संगति और खोटी आदतों से बच के रहो। आजकल इस तरह के प्रेशर से भी, कल की बात है ना, कल ही एक बच्ची ने नीट की तैयारी के लिए कोटा गई हुई थी, सुसाइड कर लिया, कल की बात। अब माँ बाप क्या करे, उसके ऊपर इतना स्ट्रेस, वो माता पिता के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर पाई। हो सकता है वो अपने आप को कहीं पिछड़ा महसूस कर रही होगी। कितनों के द्वारा ऐसा हो जाता है, इसलिए इन सब चीज़ों से बच के रहना। और जिस दिन ये चीज़ें हावी होने लगे, अपने पापा से कहना, पापा मुझे घर बुला लो, बहुत रास्ते। नमोस्तु महाराज जी, नितिन जी, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु। एक प्रश्न है महाराज जी, एक कहावत है कि जहां उम्मीद है वहां तकलीफ है, और दूसरी कहावत कि इंसान उम्मीदों का परिंदा है। तो बहुत उहापोह की स्थिति है कि हम उम्मीद कितनी करें और क्या करें, जिसे उम्मीद तो करेंगे इंसान है तो। दोनों चीजें सही है, पर दोनों अर्ध सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं। जहाँ उम्मीद है वहाँ तकलीफें, ये भी सही है, और इंसान उम्मीदों का परिंदा है। दोनों चीज़ों को हमें अलग अलग संदर्भ में देखना चाहिए। हम कभी कोई कार्य करें, उम्मीद रखें, लेकिन ऐसी उम्मीद न रखें कि मेरी सारी उम्मीदों की सब पूर्ति ही करेंगे। उम्मीद रखना, अपेक्षा रखना बुरा नहीं है, लेकिन अपेक्षा की पूर्ति न होने पर अपने आप को उपेक्षित महसूस करना बहुत बुरी है। तो तुम्हारी उम्मीदों पर कोई खरा ना उतरे तो मन में विकल्प मत रखना, अपने आप को तैयार रखो। मैंने उम्मीद रखी, तुम सवाल करने का उम्मीद लेकर आए थे, नंबर लग गया, आज खुशी हो रही है ना। अगर नहीं मिलता तो शायद भैया जी को कोसते, इतने दिन बाद तो आया, महाराज भी आज हम पर ध्यान नहीं दिए, कहाँ रह गए। ये टेंशन नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, मैं आया था, चलो कोई बात नहीं, नंबर मेरा नहीं लगा, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम साक्षात घंटे भर गुरु को सुनने का तो अवसर मिला। यदि व्यक्ति की सोच सकारात्मक होती है तो उम्मीदों की पूर्ति न होने पर भी वह अपने आप को उपेक्षित महसूस नहीं करता, तो कभी तकलीफ नहीं होगी। उम्मीद रखो, पर उम्मीदों का आग्रह मत रखो,
तकलीफ से मुक्त रहोगे। और उम्मीदों का परिंदा जो कहा गया वो इसलिए क्योंकि जब तक मनुष्य अपने मन में आशा और अपेक्षा नहीं रखेगा वो प्रगति नहीं करेगा। तो उड़ान भरो, आगे बढ़ने के लिए मन में कुछ आशा और अपेक्षा होनी चाहिए, उसकी पूर्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन कदाचित वो तुम्हारे मन की आशा पूरी न हो तो मन में हताशा मत आने, उसे सकारात्मक दृष्टि से सोचो, चलो अभी नहीं हुआ फिर कभी, अभी नहीं हुआ फिर कभी, आगे देखेंगे, कुछ तो हुआ। यदि सकारात्मक सोचोगे और आशावादी दृष्टि रखोगे तो कभी भी तकलीफ नहीं होगी। नमस्ते। नितिन जी, नेहा जी, मालपुरा टॉक से, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा पायल जी सेठी, लब्धी सेठी, हजारीबाग से। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु, चुलक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, ये प्रश्न किसी और का है, उन्होंने हमसे पूछा था। किसी शायर ने खूब कहा है कि सासों के साथ अकेला चल रहा था, सासें रुकी तो सब साथ। आराम से बोलो। हाँ हाँ, सासों के साथ अकेला चल रहा था, सांसें रुकी तो सब साथ चलने लगे। तो महाराज श्री, जीते जी लोग साथ चलने लगे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सांसों के साथ अकेला चल रहा था, सांसें रुकी तो सब साथ चलने लगे, जीते जी लोग साथ चल सके इसके लिए क्या करें? लोग मेरे साथ चल सके इसके लिए मुझे बहुत तैयारी करनी होगी। मैं लोगों के साथ चल सकूं इसके लिए कोई तैयारी की जरूरत नहीं है। मेरे साथ लोग चल सके ये मेरे हाथ में नहीं है, पर लोगों के साथ मैं चल सकूं ये तो मेरे हाथ में है। सारा संसार मुझे अपनाए ये मेरे वश में नहीं है, पर मैं जगत को अपना बना सकूं ये तो मेरे हाथ में है। तो लोग तुम्हारे साथ चले ये ख्याल मन से निकालो, मुझे लोगों के साथ रहना ये संकल्प मन में जगाओ, जीवन तब आगे बढ़ेगा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, पूजा में विसर्जन के बाद कुछ लोग ठोने को उसी थाली में गिरा देते हैं और कुछ लोग उल्टा करके रख देते हैं, तो ये क्या ये दोनों चीजें सही हैं? देखिए, शास्त्र के विधान से न तो उल्टा गिराना है न उस थाली में उल्टा रखना है न गिराना है। पर ऐसा इसलिए करते, विसर्जन आपने किया आपका काम हो गया, पर ये तब है जब आप अपनी पूजा किए, अपनी थाली उठाए अलग कर दिए। अब आजकल एक ही थाली में कई लोग पूजन करते हैं, तो पूजन करते हैं तो दूसरों के मन में कोई भ्रम ना हो इसलिए उसको उल्टा कर दिया जाता है, समझिए इसके पीछे का यही रिवाज कारण। नमस्ते। पायल जी, लब्धी सेठी, हजारीबाग से, और इसी के बाद निवेदन करूंगा मैं प्रेमचंद जी संध्या उपकार से, सागर से। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि मैं हमेशा अपने लक्ष्य पे कॉन्सेंट्रेटेड कैसे रहूं, और उससे मतलब कई बार मन डाइवर्ट हो जाता है, तो उससे कैसे बचूं? बहुत अच्छा सवाल है, अपने लक्ष्य के प्रति कॉन्सेंट्रेट कैसे रहूं, मन को डाइवर्ट होने से कैसे बचूं? तो देखो, लक्ष्य के प्रति अपनी एकाग्रता बनाए रखने के लिए सबसे पहला साधन है संकल्प। पक्का संकल्प लेकर के चलो, जो संकल्प मन में जग जाए वो संकल्प बनाओ, उसे खंडित मत होने दो। जो काम हम करने के लिए आगे बढ़े हैं, जिस लक्ष्य के साथ चले हैं, वो वैसा संकल्प लो और उसको अपनी प्रायोरिटी में रखो कि अभी पहले ये मुझे करना है। फिर उस लक्ष्य में जो भी बाधा और डिस्टर्बेंस लगते हैं, जिससे डिस्ट्रैक्शन होता है, उन निमित्तों से अपने आप को बचाओ। जैसे मान लो तुमने पढ़ाई करने का लक्ष्य लेकर के अपना काम शुरू किया, और पढ़ाई करते करते बाजू में मोबाइल रखोगे तो ध्यान मोबाइल की तरफ जा सकता है। तो अभी मुझे पढ़ाई करना है तो एक घंटे के लिए मैंने पढ़ने का मन बनाया है तो एक घंटा मुझे केवल पढ़ाई करनी है, और उस समय बाकी चीज़ों को एक तरफ करना है, उसे दूर करके बैठो ताकि मन भागे भी नहीं। और मन भागने लगे तो मन को मोटिवेट करो कि ये समय मेरे पढ़ाई का है और इस समय मुझे केवल पढ़ाई करना है, तुम्हारी बातें बाद में सुनेंगे, समझ गए? इससे मन में स्थिरता होती है। तो लक्ष्य की पूर्ति के लिए पहली बात संकल्प, और दूसरी बात उसी संकल्प को अपने जीवन की प्राथमिकता बनाना, और तीसरी बात लगन, उसमें लगन लगाना। लगनशीलता के साथ लग जाओगे तो किसी भी लक्ष्य की पूर्ति में बाधा नहीं होगी। बस मुझे ये करना है करना है करना है करना है, ऐसी धुन मन में बने। और चौथी बात, भावना योग करो और उसमें हर पल ये बात दोहराओ, मुझे
अपना लक्ष्य पाना है, मुझे अपना लक्ष्य पाना है, तो फिर समाधान मिल जाएंगे। संध्या जी के पहले ही मैं अतुल जी, शीतल जी, निहाल वंदना, लघानी परिवार, शिरोमणि संरक्षक, ये आगे ना, वक्सरा गुजरात से पहले, अच्छा मैं सोच रहा था, चलिए पहले संध्या जी और फिर तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु छुल्लक महाराजों को इच्छामि। महाराज जी कि देखते हैं कि अक्सर वही दिए हाथों को जला देते हैं, हाँ? जिनको हम हवा उन जिनको हम जलाने के लिए हाथ लगाते हैं अपना, बड़े दिए अक्सर वही दिए उन हाथों हाथ को जल... में लेके बोल दो, हाँ। परेशान अक्सर वही दिए हाथों को जला देते हैं जिनको हम हवा से बचा रहे होते हैं, हाँ, अक्सर वही दिए हाथों को जला देते हैं जिन्हें हम अक्सर हवा से बचाए रखते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि दिए में चिमनी नहीं लगाते, जिन दियों को बचाओ उसके चारों तरफ चिमनी भी लगाओ, क्योंकि इन्हें हम बचा तो रहे हैं पर संस्कार नहीं देंगे तो ये हाथ जला देंगे। संस्कारों का यही मूल्य है, हम लोगों को आगे तो बढ़ाते हैं लेकिन उनके गुणों को बढ़ाने के पीछे रह जाते हैं, उसे पुष्ट करें तब जीवन अच्छा। नमस्ते महाराज। अतुल शीतल निहाल वंदना लघानी परिवार शिरोमणि संरक्षक वक्सरा गुजरात से, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा हमारी सुनीता दीदी जी, ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, सभी शुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव, आजकल अक्सर ये सुनने में आता है कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, किसी को कैंसर हो गया, किसी की किडनी फेल हो गई। अक्सर बूढ़े लोग ये कहते हैं कि इतनी नई नई बीमारियां आ गई है, हमने तो कभी इनके नाम भी नहीं सुने। तो गुरुदेव, आजकल इतनी बीमारियां फैलने का कारण क्या हो सकता है? देखिए, इसमें दो दृष्टिकोण है। आज बीमारियां फैली है बेशक, लेकिन दूसरी तरफ से देखें तो मृत्यु दर घटी है। अभी कल परसों ही मुझे एक रिपोर्ट किसी ने बताई कि भारत में मृत्यु दर घटी है, औसत उम्र भी बढ़ गई है, क्योंकि अब चिकित्सा सुलभ हुई। पहले बीमारियां नहीं थी, उसके पीछे एक कारण कि पहले इतना प्रदूषण नहीं था, लोगों की जीवन शैली भी सधी भी थी, लोग मेहनत कश होते थे, परिश्रम करते थे। वर्तमान में लोगों की जीवन शैली में व्यापक बदलाव आ गया, अब परिश्रम तो खत्म हो गया और स्ट्रेस बढ़ गया, तो जो वर्किंग स्टाइल के बदलाव के कारण जो हमारे शरीर और मन पर दुष्प्रभाव पड़ा उससे बीमारियां बढ़ रही है। प्रदूषण भी एक बड़ा कारण है। आज जो हम अन्न फल सब्जियां खा रहे हैं उनमें जहर है, सब में पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड और रासायनिक खादों का भरपूर इस्तेमाल होता है, यानी लोग भोजन के साथ जहर खाएंगे तो शरीर पर उसका दुष्प्रभाव तो पड़ेगा ही ना। नई नई बीमारियों का कारण ये है जिससे लोग असमय में जा रहे हैं और कदाचित नहीं भी जा रहे हैं तो बीमारियों को भुगत रहे हैं। पुराने समय में लोगों की लाइफ स्टाइल अच्छी थी, बीमारियां कम होती थी, और बीमारियां होती भी थी तो जांच के साधन इतने नहीं थे तो पता भी नहीं लगता था, ये भी एक कारण है। आज अच्छी बात यह है कि जांच के साधन है, और बुरी बात यह है कि बीमारियों का अभिशाप है। तो बीमारियों से बचने के लिए व्यक्ति को प्राकृतिक जीवन अपनाने का रास्ता चुनना चाहिए, अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव घटित करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि ऐसा करा जाता है तो वो जीवन के लिए एक बड़ी उपलब्धि बन सकती है और उससे पूरी समाज भी लाभान्वित हो सकती है। नमस्ते गुरुदेव। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी, और इसी के बाद निवेदन करूंगा मैं चंद्रकला जी पाटनी गुणायतन मंत्री रांची से। मुनिवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु, पंच छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, हमारे अपने जीवन में व्रती जीवन में अगर हम किसी के प्रति नहीं देखें, लेकिन अगर मान लो हमारे प्रति ईर्ष्या जलन की भावना हो,
तो इसको हम कर्म का उदय माने या बारह भावनाओं का चिंतन में लाने के बाद भी अगर वैराग्य से भी अपन भरे रहें और अगर ईर्ष्या जलन की भावना करते हैं तो उसमें हम कर्म का उदय माने या उसमें हम क्या करें या हमारे अंदर कोई कमी है? देखो, ईर्ष्या की बीमारी ऐसी बीमारी है जो हर किसी में हीनाधिक रूप में पाई जाती है और इससे साधु भी नहीं बचते। ये दुर्बलता है, किसी की प्रगति को हर कोई नहीं सह पाता, किसी की उपलब्धियों को हर कोई नहीं पचा पाता। जिनकी सोच छोटी होती है, जिनके अंदर में बड़ा अभिमान और अहमन्यता का भाव बना रहता है, उनका चित्त ईर्ष्या से विदग्ध रहता है, जलता रहता है, ईर्ष्या की आग उनके हृदय में धधकते रहते। तो कोई मुझसे ईर्ष्या न करे, ये मेरे हाथ में नहीं है। ईर्ष्या करते हैं करे, ईर्ष्या करते हैं करे। अगर कोई ईर्ष्या करता है तो पहले तो हम नजरअंदाज करें और पता लगता है कि सामने वाले के हृदय में मेरे प्रति ईर्ष्या है तो हम उस व्यक्ति के प्रति प्रेम करना शुरू कर दें, ईर्ष्या कमी होगी। रवीन्द्रनाथ टैगोर के जीवन का एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है। जब उन्हें नोबल प्राइज मिला, उसकी घोषणा हुई, पूरे संसार से लोगों ने उन्हें बधाइयां देना शुरू कर दिया। उनके ही पड़ोस में एक व्यक्ति रहता था जिसे ये बात हजम नहीं हुई और लोगों के बीच ये कहने शुरू कर दिया कि ये तो चमचागिरी करके जोड़ तोड़ से नोबल प्राइज पाया है, ये व्यक्ति उसके लायक थोड़ी था। लोग तो ऐसे ही बोलते। ये बात रविन्द्रनाथ जी को पता चली। वो सुबह घूमने के लिए जाते थे, रास्ते में उसका घर पड़ता था, लौटते समय उसके घर पहुंच गए, चरण छुए, आशीर्वाद चाहता हूं, आपकी कृपा से मुझे नोबल प्राइज मिला है। सामने वाला पानी पानी हो गया, उसने हृदय से लगा लिया, बोले माफ करना, तुम जैसे व्यक्ति ही नोबल प्राइज के लायक हो, मैं तो व्यर्थ तुमसे ईर्ष्या कर रहा था, मुझे बहुत खुशी है कि आज तुम इस लायक हुए। तो यदि कोई हमसे जले और हमें पता लगता है तो उनसे संवाद बनाकर उनकी जलन को दूर करने की कोशिश करें, उनसे स्नेहपूर्ण संबंध बनाए। और यदि ऐसा लगता है कि सामने वाला षड्यंत्रकारी है और ये चीजें संभव नहीं है तो उसके उस व्यवहार को नजरअंदाज करके उनके प्रति सुरक्षित दूरी बनाकर चलें। कोई जरूरी नहीं है दूसरा कहेगा ये नौटंकी, ऐसे भी लोग होते हैं कुछ लोग, तो उसको देखकर हम सुरक्षित दूरी बना करके चले। आचार्य महाराज का बहुत सुंदर हाइकू है, ईर्ष्या क्यों करूं, ईर्ष्या तो बड़ों से हो, छोटा क्यों बनूं, ईर्ष्या क्यों करूं, ईर्ष्या तो बड़े से हो, छोटा क्यों बनूं। मैं किससे ईर्ष्या होती, जो हमसे बड़ा है, तो तुम किसी को अपने से बड़ा मान रहे हो तब तो उसे ईर्ष्या कर, यानी तुम छोटे बन रहे हो, तो जो ईर्ष्या करता है वो छोटा बनता है, उसका जीवन खोटा बनता है। नमस्ते गुरुवर के चरणों में। चंद्रकला जी पाटनी, गुणायतन मंत्री रांची से, और निवेदन करूंगा विकास भैया जी संभाजी नगर से, ब्रह्मचारी विकास भैया जी। मेरी तरफ से जगत के सब्जियों की तरफ से मुनिराज के चरणों में नमोस्तु, सब छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छा में। महाराज श्री, रिश्तों की कद्र हमें रत्नों की जैसे, रिश्तों की कद्र व्यक्ति को रत्नों की जैसे करना चाहिए।
क्योंकि इन दोनों को कमाने भी मुश्किल है और गंवाना आसान है, तो इसको इंसान कैसे समझे? बहुत अच्छा वाक्य कहा आपने, रिश्तों की कदर रत्नों की तरह करना चाहिए, क्योंकि इन्हें कमाना बहुत मुश्किल है, गंवाना बहुत आसान। बहुत अच्छा सुझाव है और ऐसा हमें करना ही चाहिए। और वे लोग करते हैं जो रिश्तों को रत्नों से भी कीमती समझते हैं। लोग रत्नों की कदर में तो कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, पर ऐसे लोग रिश्तों की कदर नहीं करते हैं। और प्रायः देखने में यही आता है कि जिनके पास ज़्यादा रत्न होते हैं उनके लिए रिश्तों का कोई मतलब नहीं होता, उनके सारे रिश्ते रत्नों से ही जुड़ जाते हैं। जिनके पास पैसा है वो उनको ही महत्व देते हैं, उनको ही मूल्य देते हैं, बाकी को भूल जाते हैं। तो ये हमारे जीवन की एक भयानक भूल है, कमजोरी है। हम रत्नों से भी मूल्यवान रिश्तों को समझें। पैसों की एक सीमा से ज़्यादा उपयोगिता नहीं है, लेकिन संबंध हमारे आखिरी सांस तक काम आते हैं। इसलिए हम संबंधों का मूल्य समझें, महत्व समझें और उनकी कदर करें। ब्रह्मचारी विकास भैया जी संभाजी नगर से। ओ, मैं मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु करता हूँ और सभी क्षुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छा में निवेदन करता हूँ। महाराज जी, मेरा ये सवाल है कि जब हम क्षुल्लक महाराज जी के विहार में थे तो कई जगह बहुत से लोग साथ चले, लेकिन कई जगह ऐसे हुआ महाराज जी कि लोग जो समाज के जो लोग थे कोई साथ आता भी नहीं था विहार में। तो महाराज जी, मेरा यह सवाल था कि जो विहार में हो या आवास मुनि महाराज जी का आवास हो, तो ऐसे इसमें जब ये वयावृत्ति है तो ये वयावृत्ति का लोगों को इसका फल क्या मिलता है, इसका मुझे सभी की ओर से मैं सवाल। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने की। इस संदर्भ में दो बातें मैं कहूँगा। साधु संतों के आहार विहार कराने में श्रावकों की अभिरुचि होनी चाहिए, ये आपका कर्तव्य नहीं, धर्म है। और ये साथी से पुण्य बंध का कारण है। गृहस्थों के जीवन का उत्थान इसी तरीके से होता है, इसलिए आहार विहार में अपनी भागीदारी रखनी ही चाहिए। और इसलिए भी रखना चाहिए खासकर बिहार के समय, क्योंकि आजकल अनेक प्रकार की दुर्घटनाएं भी देखने को मिलने लगी है। साधु संतों के साथ रास्ते में कम लोग या लोगों के न रहने से कई बार इस तरह की दुर्घटनाएं प्रकाश में आती है, वो हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति होती। इसलिए श्रावकों को चाहिए यदा कदा जब कभी भी साधु संत का सानिध्य मिले तो बड़े उत्साह के साथ आप उनकी आगवानी करें, उनको पहुंचाएं, अथवा पहुंचाने की जो भी व्यवस्था है वो व्यवस्था करें, यथासंभव उसकी व्यवस्था करें, करना चाहिए। क्योंकि लोगों की व्यस्तताएं बढ़ गई है, पहले चार आदमी मिलकर एक धंधा करते थे, अब एक आदमी चार धंधा करता है। समय की कमी लोगों के पास बहुत होने लगी है और प्राथमिकताएं भी बदल गई है, इसलिए लोग इस तरह की बातें कम कर पाते हैं और कई जगह ऐसा दिखता है, वो उचित नहीं है। पर साधु संतों के संदर्भ में मैं ये कहूँगा, साधु तो अपने दम पर साधु बना है, श्रावकों के भरोसे नहीं। हमारे साथ कोई आए तो और ना आए तो, मैं तो अकेला ही निकला हूँ, मैं निकल पड़ा हूँ अपने पथ पर और अपने लक्ष्य के लिए जाना है। इसलिए तुम्हारे आने नहीं आने से उनका विहार नहीं रुकता, ये तो उनका भाग्य है जो आहार विहार में लाभ लेकर अपने जीवन का उद्धार करते हैं, पुण्य का संचय करते हैं। तुम्हारे द्वारा सेवा होती है, भैया वृत्ति होती है और यही तुम्हारे पुण्य उपचय का कारण है। निवेदन कर रहा हूँ पूज्य शुल्लक जी, आदर सागर जी महाराज, पूज्य श्री के समादर सागर जी महाराज से निवेदन करता हूँ। ओम नमस्तु भगवान। अरे पूजन में आता है भाव सहित बंदे जो कोई ताई नरक पशु गति नहीं हुई, वहाँ पर ये नहीं कहा है कि आप चतुर्मास में बंदना करो तो मिलेगा, गर्मी के दिनों में मिलेगा तो
या ठंड के दिनों में करोगे तो मिलेगा। लेकिन लोगों की आज विचारधारा हो गई है कि जैसे कि वर्तमान में अभी गर्मी के दिनों में भीड़ कम हो गई है, तो महाराज जी प्रश्न ये है, पर्वत राज की वंदना करने का फल और सम्यक शिखर जी मधुबर की आकर दर्शना करने का फल, दोनों का फल और यहाँ आकर दर्शन करने के जाने का जो फल है वो पर्वत की वंदना से है या नीचे की जो मंदिर आदि है उनसे है, समाधान के। देखिए निश्चित बहुत अच्छी बात आपने कही, ये तीर्थराज परम पावन तीर्थराज है और इस शाश्वत तीर्थ भूमि की भाव सहित वंदना करने वाले नरक और पशु गति से बच जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। अब रहा सवाल वंदना करने का, चूंकि ये 27 किलोमीटर की वंदना है, हर किसी के वश की तो नहीं है, अपनी शारीरिक शिथिलता होती है, परेशानियां होती हैं और मौसम का भी असर इस पर पड़ता है। अन्य ऋतुओं की तुलना में गर्मी में वंदना करना थोड़ा भारी पड़ता है, हर किसी के बस का नहीं है, इसीलिए लोग कम आते हैं, जब अनुकूलता होती तब करते हैं। तो वंदना करने का फल मिलता है, जितने भाव से आप वंदना करो उतना फल मिलेगा, लेकिन यदि कोई गर्मी में भाव से वंदना करता है तो उसको दोहरा फल मिलेगा, उसकी तपस्या है। कई ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ कि इस भर गर्मी में हर महीने वंदना करने आते हैं, पूरी वंदना करके जाते हैं, कुछ लोग तो उपवास से वंदना करते हैं, जेठ के माह में भी उपवास से वंदना कर लेते हैं। तो ये उनकी बड़ी इच्छा शक्ति है, उनका संकल्प है और वो उनकी तपस्या है। तो जब भी आप वंदना करें, जितनी प्रतिकूलता में आप धर्म करोगे उतना ज़्यादा लाभ मिलेगा, ये बात समझना चाहिए। लेकिन इस तरह से वंदना मत करे कि आपका शरीर खिंच जाए, वो देख कर करना। रहा सवाल यहाँ आए और ऊपर की वंदना न करे, तो भाई ऊपर की वंदना है, वो शाश्वत तीर्थ क्षेत्र है, नीचे भी तीर्थ क्षेत्र है, नीचे से ऊपर का लाभ तो नहीं मिलता, लेकिन ये भाव रखे कि नीचे आए हैं तो नीचे से भी हम कम से कम वंदना कर ले तो पुण्य लाभ तो मिलता ही है। जहाँ बने तीर्थ क्षेत्रों में हम जिस तरह की भावधारा के साथ अपना पूजन अर्चन धर्म ध्यान करते हैं हमको उतना लाभ मिलता है। कई लोग तो यहाँ आकर के उल्टा पाप भी बांध लेते हैं, अगर उनका आचार विचार गड़बड़ होता है, खान पान में गड़बड़ियाँ होती है, तो चाहे नीचे जाए या ऊपर जाए वो पाप बंद के भागी बनते हैं। इसलिए शक्ति के अनुसार कार्य करना चाहिए, ऊपर जाने की शक्ति है तो ऊपर जाओ और ऊपर न जा सको तो कम से कम नीचे आकर के भी वंदना कर सकते हैं, जितना बने उतना कर। निवेदन कर रहा हूँ मैं, पूज्य चुल्लक श्री आदर्श सागर जी महाराज के चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। नमोस्तु भगवान। महाराज जी, जब कोई काय से पाप करता है तो उसको रोकने के लिए कानून व्यवस्था है, और वचन का कोई अनर्गल दुरुपयोग करता है तो उसको रोकने के लिए समाज है, परिवार है, और कोई व्यक्ति यदि मन से पाप करता है, विचारों से पाप करता है तो उसको रोकने के लिए धर्म है। मेरी जिज्ञासा यह है कि जब व्यक्ति को धर्म पर श्रद्धा नहीं है और वह मन से और विचारों से पाप करता है तो उसको कैसे समझाया जा सके? बहुत अच्छी बात कही, अपराध के बचने के लिए समाज है, वचनों से किए गए अपराध से बचने के लिए हमारे लिए अपराध से बचने के लिए कानून है, वाचिक अपराधों से बचने के लिए समाज है और मन से या विचारों से किए गए पापों से बचने के लिए धर्म है। मैं मानता हूँ अगर व्यक्ति मन से बच जाए तो वचन और काय से भी बच जाएगा, इसलिए यदि हृदय में धर्म को धार लिया जाए तो समाज की भी चिंता करने की जरूरत नहीं और कानून का भी कोई डर नहीं। लेकिन मन में पाप पलता जा रहा है तो समाज या कानून उसका कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए व्यक्ति के हृदय को परिवर्तित करना चाहिए। विनोबा भावे ने एक बहुत अच्छा वाक्य कहा कि कानून के बल पर हम वेश्यावृत्ति बंद कर सकते हैं, कानून के बल पर हम वेश्यावृत्ति को बंद कर सकते हैं, पर हर स्त्री में माँ और बहन जैसी पवित्र दृष्टि केवल धर्म ही ला सकता है। वो दृष्टि आनी चाहिए जो हमारे अंदर की पवित्रता को उद्घाटित करता है, और वैसी दृष्टि अगर विकसित होगी
तो जीवन धन्य होगा। इसलिए हर व्यक्ति को अपने हृदय में धर्म धारण करने का संकल्प जगाना चाहिए, और वैसा धर्म धार लिया तो उसका पक्का उद्धार होगा। और ये तब होगा जब आप अपने हृदय में आत्मा के हित का भाव रखोगे। धर्म से आत्मा का हित होता है, और जिसमें आत्म हित होता है उससे फिर समाज हित, लोक हित सब अपने आप हो जाता है। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय।